The government seems to have abdicated during the second wave of the pandemic, leaving the people to struggle on their own for oxygen, hospital beds, ambulances, or even for the last rites of their loved ones. Fortunately, several NGOs have stepped in to help and provide solace and a human touch to those in the mourning. Shaheed Bhagat Singh Seva Dal is one such organization that has taken upon itself to help next of the kin give a dignified farewell to COVID-19 victims. It is a blistering Sunday afternoon as a blazing May sun has pushed the mercury to 42 degrees in East Delhi's Simapuri crematorium. And that is away from the dozens of pyres lit on the ground. Every available space in the cremation ground either has a burning pyre or has heaps of ashes where a pyre had been not so long ago. At the entrance of the crematorium, suited up in a blue protective gear and wearing a face shield under his bright yellow turban, Jitender Singh Shanti is busy taking calls from people who have lost someone due to COVID-19 and are looking for help in cremation. Shanti says that though his organization has been helping people with the final rites of their loved ones for nearly 25 years, he has never seen such a flood of bodies or such desperation in people ever before. सेवादल तो मैं 25 साल से चला रहा हूँ, शमशानगढ़ 20 साल से चला रहा हूँ, लेकिन 5 या 7 डेड बॉडी आ जाना बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। और अब इस कोविड के टाइम में जब पहली बार आया तो हमारी एवरेज 20 तक गई थी, हम उसको बहुत बड़ा समय रहते, लेकिन अभी जो ये भयंकर समय आया इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 5 गुना बढ़ गया एकदम से फ्लो, और मैं समझता हूँ इतना भयानक समय कभी नहीं आया। His organization provides a wide range of assistance to the people, right from collecting dead bodies to organizing their final rites. He says that his team was ready for the second wave, even if the government was not. जो चीज आज डिजास्टर हुई है, जिसके लिए कहीं प्रशासन तैयार नहीं थे, हम उसके लिए तैयार थे। सबसे पहली चीज वॉलंटियर वॉरियर्स, वो हमारे पास तैयार थे। 23 मार्च 2020 को हमने शुरुआत की आइसोलेशन सेंटर मंडोली से, और उसके बाद एम्बुलेंस, शव वाहन, ब्लड डोनेशन, इस पर खूब लग गए जी हम। पिछला जब कोविड चला तो उसमें हमने 967 डेड बॉडी कोविड की क्रिमेट करवाई अपनी ही एम्बुलेंसेस में, उसको कैरी करके। पेशेंट अलग थे 1500, और अभी जो शुरू हुआ है ये समझ लीजिए कि 22 दिन के अंदर पिछले, वो पिछली बार से भी ज़्यादा डेड बॉडी हमने कैरी करी। हम 1300 को टच कर रहे हैं। एक तो ये सेवा हमारी है डेड बॉडी को मॉर्चरी से या हॉस्पिटल से यहाँ लेके आना, फिर उसे क्रिमेट कराना सैनिटाइज करके। एक बहुत सारे लोगों की डेथ घर में हो रही है, क्वारंटाइन है घर में, बड़े बुजुर्ग हैं कोई भी है, डेथ हो गई। अब वो फ़ोन करते हैं लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, वो सब एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, कोई उठाने ही नहीं आता। वो घूम फिर के नंबर हमारा दे देते हैं कि शंटी जी से बात करो, शहीद भगत सिंह में बात करो, राजा हाशमी से बात करो। वो फिर हमारी जो सेवा है उसके लिए फ़ोन करते हैं हमारे वॉरियर्स। मैं खुद जाता हूँ काफ़ी जगह पे, तो हम पहले बॉडी को जाके सैनिटाइज करते हैं, फिर उसको बैग में पैक करते हैं, फिर घर को सैनिटाइज करते हैं, फिर अपनी एम्बुलेंस में रख के यहाँ ला के उसे क्रिमेट कराते हैं। और उसमें भी जो 50% परिवार ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको लकड़ी फ्री है सारी। ये सेवा हमारी इस कोविड में चल रही है जी। आज की डेट में मेरी मिसिज, मेरे दोनों बेटे मनीष और ज्योत कोविड पॉजिटिव है, मेरा मैनेजर हॉस्पिटल में आईसीयू में है कैलाश हॉस्पिटल में, मेरे 3 ड्राइवर्स वो भी इस समय क्वारंटीन है। कुल मिला के इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी 18 एम्बुलेंसेस डे एंड नाइट चल रही हैं, और यहाँ पर तकरीबन 100 डेड बॉडी का रोज संस्कार कराते हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल हेल्प्स द बिरीव्ड फैमिलीज इन मेनी अदर वेज, लाइक प्रोवाइडिंग फूड और वाटर व्हाइल दे वेट एज दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट बिफोर रीचिंग द क्रेमेटोरियम। सिर्फ यह संस्कार नहीं कराते हैं, जो दुखी परिवार आते हैं उनको यहाँ पानी पिलाना, कोल्ड ड्रिंक पिलाना, खाना खिलाना, सब चीज़ों की तैयारी रहती है हमारी, क्योंकि दुखी परिवार हैं और बहुत उनके पास बेचारे
भूखे प्यासे आए हुए हैं, पहले वो धक्के खाते हैं अस्पताल में, क्योंकि दिल्ली में आपको पता ना तो बेड मिल रहा है, ना ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर, फिर वो मर जाता जब आदमी, तो फिर परेशानी शुरू होती है उनकी मोर्चरी से, डेड बॉडी मिलने में 5 घंटे लगते हैं जी, फिर शमशान में आके फिर क्यों में लगना पड़ता है जी। तो यहाँ पे जैसी बॉडी आ जाती है तो हम यहाँ के एटमोसफेयर को चेंज कर देते हैं, उनको उनसे बातें करना, उनको मिलना जुलना, उनको पानी पिलाना, कोल्ड ड्रिंक पिलाना, चाय पिलाना, रोटी खिलाना, क्योंकि कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, वो तो 6-8 घंटे भूखा नहीं रह सकता जी। तो बस इसी में मज़ा आता है जी, उनको जुनून है हमारा। Shanti says his group has also been obliged to cremate many unclaimed bodies or where next of kin are not around or too afraid to cremate themselves. बहुत तीन तो छोड़ के भाग गए यहाँ पे, तीन बॉडीज ऐसी आई जिसका हमें आज तक पता नहीं लगा कौन छोड़ गया यहाँ पे। ये भी शुक्र है कि यहाँ छोड़ के सड़क पे नहीं छोड़ गए, हमने उनको फिर पुलिस को सूचित किया, फिर भी कोई नहीं आया तो हमने अगले दिन उनको क्रिमेट करा दिया, क्योंकि ये जो बॉडी मोर्चरी से आई है द्वारा मोर्चरी में नहीं जा सकती, हमने क्रिमेट करा दिया उसको। इसके अलावा मेरे पास फॉर्म भरे पड़े हैं फॉर रिकॉर्ड, जिन लोगों ने कहा यहाँ तीन बार सर हम बॉडी आपको देके जा रहे हैं, आप संस्कार करा देना, हम जा रहे हैं। और मुझे फॉरेन कंट्री से बहुत फोन आ रहे हैं, कल मुझे अमेरिका से आया, टोरंटो से आया कि हमारी बॉडी सर योजना विहार में पड़ी है, हमारे भाई हैं सके, साथ में उनके बुजुर्ग जो है वो 90-92 साल के हैं, बॉडी नहीं उठा सकते, आप बॉडी उठवाइए। हम गए, साइन कराए अंडरटेकिंग पे, बॉडी हालांकि क्रिमेट करा दी, फोटो भेज दी उनको, वीडियो भेज दी। अच्छा, बस ये काम हमारा। He says the current crisis is entirely due to the mismanagement and incompetence of the government, which made no preparations at all for the second wave, despite warnings from other countries. ये सबको दिख रहा है जी कि जब और कंट्रीज में दोबारा कोविड आया है, यहाँ भी आना था निश्चित है, अगर आप तैयार थे तो आपने क्वारंटीन सेंटर बंद क्यों कर दिया था? अगर आप तैयार थे तो आपने बेड्स और तैयार क्यों नहीं किए? ऑक्सीजन का इंतजाम क्यों नहीं किया? वेंटिलेटर का इंतजाम क्यों नहीं किया आपने? डॉक्टर्स का इंतजाम क्यों नहीं किया आपने? एम्बुलेंस का इंतजाम क्यों नहीं किया आपने? मोर्चरी का इंतजाम क्यों नहीं किया? कोई इंतजाम नहीं। दिल्ली के अंदर 70% से 80% हॉस्पिटल ऐसे हैं, रात को कहीं डेथ हो जाए तो कोविड की बॉडी को कहते हैं घर ले जाओ। और इतने बड़े बड़े, आज मैंने जो बात मैं कहने जा रहा हूँ मैंने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने कहा, कल कहा कि अरबों रुपये की ज़मीन पर इन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रखे हैं, अपोलो जैसे हॉस्पिटल, बत्रा जैसे, फलाना फलाना, हाई कोर्ट कह रहा है। ऑक्सीजन का प्लांट अपना क्यों नहीं लगाया उन्होंने? बहुत महंगा नहीं है, 2 करोड़ का प्लांट है सिर्फ, इसे क्या बोलेंगे अब? लापरवाही नहीं बोलेंगे? उन्होंने नहीं लगाया तो कंसर्न डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं देखा? देखिए ना, बात बड़ी बेहतर बात है, इसमें लापरवाही तो शामिल हैं जी, कहीं हम तैयार नहीं थे, हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, उसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, आप करिए ना इंतजाम, क्यों नहीं कर रहे? Shanti says that people will never forget or forgive the pain and misery caused by the pandemic and the abject failure of the leadership in tackling the crisis. Delhi ki janta ko main dekh raha hu, jo wo soch rahi hai, dekh rahi hai aur tharrai hui aankhon se dekh rahi hai, ye mere alfaz samjhiyega, tharrai hui aankhon se. Aaj Delhi mein insaan nahi mar rahe hain, insaniyat mar gayi hai. मतलब सांस की भीख मांग रहे हैं लोग. एक बच्ची मेरे पास आई है और मुझे कहती है अंकल मेरे पापा का संस्कार करा दो. कितनी देर लगेगी? मैंने कहा 2-3 घंटे. कहती अंकल जल्दी करा दो, 1 घंटे. मैंने कहा बॉडी लाओ. कहती मैं कार में लाई हूँ. मैंने कहा क्यों बेटा? तो कहने लगी अंकल हम सारी रात उनको कार में लेके बहन भाई घूमते रहे, किसी हॉस्पिटल ने जगह नहीं दी और आखिरकार सुबह 5 बजे हमारे पापा की कार में डेथ हो गई. और उसके बाद 5 बजे के 11 बज गए हैं, मैं 7 शमशान घाट में हूँ, वहाँ जगह नहीं मिल रही. जाएँ तो जाए कहाँ? कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई बात करने को तैयार नहीं है, इलेक्टेड पर्सन मिलने को तैयार नहीं है. हम जाएँ तो जाए कहाँ? तो वो जो थर्राई हुई आँखें हैं ना जी, उनके मन के अंदर बड़ा रोष है जी, बड़ा रोष है. ये परिवार जो ख़त्म हो गया ना जी, तीन तीन चार चार परिवार के सदस्यों को चले जाना, मुझे लगता नहीं कि इस चीज़ को लोग जैसे
हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई को याद रखते हैं ना 47 की, और उसके बाद 84 के राइट्स को याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आ जाते हैं। भोपाल गैस कांड याद आता है, दिल्ली का ये कोविड कांड कोई भूल नहीं सकता। तो कितना कुछ सोने का बन के आ जाए, हीरे का बन के आ जाए जी, ये शमशान घाट के अंदर जो भरी हुई जगह है ना जी, 100-100 लाशों की, यहाँ 32 लाशों की जगह थी, हम 100 जलाते हैं, मैं दिखाऊंगा दीवार तोड़ के हमने पार्किंग में भी जला रहे हैं, ये कोई कैसे भूल सकता है जी। Indeed, the images and videos of bodies lying on the ground, overcrowded crematoriums, people hunting for oxygen or waiting for a hospital bed may have scarred the minds and hearts of people all over the country forever.